भाइयों बहनों, टूरिज्म की एक पहली शर्त होती है स्वच्छता। आप मुझे बताइए भाइयों, महात्मा गांधी का सपना स्वच्छ भारत का था कि नहीं था? महात्मा गांधी जीवन भर स्वच्छता के लिए लोगों को आग्रह करते रहे थे कि नहीं करते रहे थे? ये स्वच्छता का विषय कोई नया है क्या, अनजान है क्या? आप मुझे बताइए, इतने सारे प्रधानमंत्री हो गए, इनकी चार चार पीढ़ी हो गई, आपने कभी उनके मुंह से गांधी जी की इस इच्छा को पूरा करने के लिए एक बार भी सुना था क्या? आप सच बताइए, सुना था क्या? इन्होंने गांधी जी के सपनों को भी चूर चूर किया कि नहीं किया? उन्होंने गांधी जी को भुला दिया कि नहीं भुला दिया? क्योंकि उनको मालूम था, अगर वो फकीर गांधी याद रहेगा तो फिर नामदार गांधी को कौन याद करेगा। इसलिए वो फकीर गांधी को भुला देने में उन्होंने देश की स्वच्छता को भी भुला दिया। भाइयों बहनों, जो काम आजादी के 70 साल के दरमियान हो जाना चाहिए था, वो काम मेरे जिम्मे आया। लोग हैरान हो गए कि पहले की तो सरकारें आती थी, बड़ी बड़ी बातें करती थी, लेकिन ये ऐसा प्रधानमंत्री आया कि लाल किले पर से बड़े बड़े ब्रिज बनाने की बात नहीं कर रहा है, बड़ी बड़ी होटल बनाने की बात नहीं कर रहा है, ये तो आकर के टॉयलेट बनाने की बात कर रहा है। भाइयों बहनों, माथा शर्म से झुक जाता है जब मेरी किसी मां को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है। आप कल्पना कर सकते हैं, जरा पल भर के लिए सोचिए, जो मां जिसके घर में शौचालय नहीं है, उसको प्राकृतिक काम के लिए जाना है, या तो वो सूरज उगने से पहले अंधेरे में जाकर के अपना निपट के आ जाती है, और अगर दिन में कभी जाना पड़ा तो दिन भर वो मुसीबत झेलती है, कष्ट झेलती है, अपने आप को रोक के रखती है, और जब शाम को सूरज ढलता है उसके बाद वो जाती है, उसके शरीर पर कितनी तकलीफ होती होगी। क्या किसी सरकार को यह देखने की फुर्सत नहीं मिली? आप मुझे बताइए, हमारी माताओं बहनों को सम्मान मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? शौचालय जैसी एक व्यवस्था हमारी माताओं बहनों को उपलब्ध होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इतनी सरकारें चली गई, उनको ये जरूरी नहीं लगा। और जब मैं टॉयलेट की बात कर रहा था, तो जो नामदार आज मेरी जाति को लेकर के मजाक उड़ाते हैं, जो मेरे हिंदू के ज्ञान को लेकर के मजाक उड़ाते हैं, वही कभी योग के लेकर के मजाक उड़ाते थे, वो टॉयलेट और स्वच्छता को लेकर के भी मजाक उड़ाते थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि स्वच्छता का अभियान ही है जिसने हिंदुस्तान में टूरिज्म को 10% प्रतिशत बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिसने देश के लाखों नौजवानों को रोजगार के नए अवसर दिए हैं।